रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करें। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल के नोटिफिकेशन का वीडियो बना चुका हूं। जिन लोगों के नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी नहीं है वो हमारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो कि हमारी वैकेंसी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है 11 मार्च 2021 से। आपकी जो आप डाउनलोड आपको है यहाँ पर, आपको फ्रेंड एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने को 10 अप्रैल 2021 सैटरडे, ठीक है। एग्जाम डेट है आपकी 17 अप्रैल 2021 सैटरडे को है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट हो गया, उसको हम लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस लिंक पे एक्टिवेट किया है, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जो नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी देखने को मिल जाएगी, जो स्टार वाला है यहाँ पे आप पूरी जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उन सब की यहाँ पे जानकारी आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे डिटेल ये आपको आ रहा है। सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे कैप्चा है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे ये सब फिल करने का रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपका फिल हो जाता है, बेसिक स्टेप क्लिक आपके हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखे हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिटेल आपका जो करेक्ट होने चाहिए जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्लीज रीड वैकेंसी यहाँ पे आपको दे रखा है बिफोर फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये सब जानकारी पढ़ने के बाद, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें ये सब आपको भी फॉर्म को फिल करना होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये डिटेल आ रही है मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने फिल की थी। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसका प्रिंट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो मैंने इस पेन लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिस्ट दे रही किस में सेलेक्ट करना है, तो इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं मेंटेनर की सिविल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो यहां पे आपको आपकी जो फॉर्म था फिल्म में जो डिटेल भरी थी वो यहां पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको ऊपर ईमेल आईडी और आपका जो फोन नंबर वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल बताना है, स्टेट उत्तर प्रदेश के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से कैटेगरी से उसके बारे में बताना है, ठीक है। अगर अधर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही आपका को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ तो यहाँ पे सब कैटेगरी आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन है, नॉन है, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या आप UPMRCL के रेगुलर एम्प्लॉई है, यस या नो कर सकते हैं। यस करने पे एम्प्लॉयमेंट आईडी आपका बिलोंग टू इकोनॉमी सेक्टर है, यूपी कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। सोशल कैटेगरी आपको बतानी यहाँ पर, ठीक है। इन सब की जानकारी देने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म को ये आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नन है तो नन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं हूं तो उसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके नहीं हूं तो यहाँ पे नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सोशल कैटेगरी में नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपको ध्यान में रखते हुए भी आपकी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जिससे कि आपकी कोई गलती नहीं हो। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन बतानी है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है उसकी जानकारी देनी है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको बताना है, स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पिन कोड की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है क्या। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस या नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड स्टेप आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फी डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल की जो है जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपने हाई स्कूल किस सन में किया था, बोर्ड से किया था, यहाँ पे टोटल मार्क ऑप्टेन परसेंटेज की जानकारी देनी है, ठीक है। देखे करके यहाँ पे आपको पूरी इन सब की जानकारी देनी है फ्रेंड। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन ऑफ एनी जीरो मेंटेनर सिविल की है उसके बारे में बताया, ITI NGVT है, डिसिप्लिन बताना है, फिटर आपने कब पास किया था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, टोटल मार्क ऑप्टेन परसेंटेज की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे, टोटल मार्क ऑप्टेन आपका हाई स्कूल की जानकारी देनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना होगा, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सैंपल के रूप में दे सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिया है, तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से डालना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको टेस्ट सेंटर आ रहा है, उसको यहाँ पे चुनना है। सबसे पहले मैं टेस्ट सेंटर चुनता हूँ, जो भी मैं अपना अलीगढ़ चुन लेता हूँ, मेरठ चुन लेता हूँ, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, लखनऊ है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, जो भी आप यहाँ से चाहें चुन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चुनने के बाद प्लीज यहाँ पे देखिए आपको रिसेंट आपको फोटोज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। क्लिक हेयर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है, एक एक करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपलोड करने के बाद तो यहाँ पे आपको देखिए सिग्नेचर 80 KB का है, साइज है आपको JPG में रखना है। 80 KB का आपका फोटो रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको 30 mm और 45 mm का साइज दे रखा है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको फी डिटेल आ रही है। देखिए फी डिटेल के लिए आप 590 रुपये फीस है। कैप्चा आपको फिल करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू करने का सबमिट करना है। प्रीव्यू से पहले आप एक बार पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें, कहीं गलती तो नहीं है, कहीं गलती हो तो उसको सुधार करें, उसके बाद यहाँ के आप तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड एक छोटी सी डिटेल थी उत्तर प्रदेश आपकी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वैकेंसी निकली थी, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में मैंने बताया। फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल, तो फ्रेंड जरूर बताएं, जिससे कि आपको मैं डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।